हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज हब। और मेरा नाम है रायन जमालवी। आज हम बात करने वाले हैं सोशल सेक्टर स्कीम्स की, सामाजिक क्षेत्र की पहल की, ऐसी योजनाएं जो सभी वर्गों के लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। तो आइए शुरू करते हैं आज की सभी योजनाएं। पहली हमारी जो योजना है भारत सरकार की, वो है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम की हम बात करें तो यह 2018 के बजट के तहत आई थी, ठीक है ना। और इसमें नए भारत के लिए, नए भारत मतलब दो नए भारत 2022 के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम लाई गई थी, ठीक है ना। तो ये थी नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। दूसरी हम इस योजना की बात करें तो दूसरी योजना है उजाला स्कीम। फिर इस उजाला स्कीम की बात करें तो इस योजना को 5 जनवरी 2015 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। यदि हम इस उजाला, जो वर्ड है उजाला, इसके फुल फॉर्म की बात करें तो उजाला का फुल फॉर्म होता है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज। उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज, ठीक है ना। 10 रुपये में एलईडी प्रदान करना, 10 रुपये में लोगों को एलईडी प्रदान किया जाएगा सभी वर्गों के लोगों को, ठीक है ना, ताकि जो एलईडी लाइट है वो सभी तक पहुँच पाए। फिर तीसरा हम बात करें खेलो इंडिया स्कीम। खेलो इंडिया स्कीम की हम बात करें तो यह स्कीम 31 जनवरी 2018 को लॉन्च की गई थी, ठीक है ना। 31 जनवरी 2018 को यदि हम इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो खिलाड़ियों की प्रतिभा को नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम को लॉन्च किया था, खिलाड़ियों के प्रतिभा को सही मुकाम पहुंचाने के लिए, ठीक है ना, भारत सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। साथ ही साथ भारत की जो ओलंपिक में स्थिति रहती है, रैंकिंग रहती है, उसमें भी सुधार करने के लिए इस खेलो इंडिया स्कीम को लॉन्च किया गया था। चौथी स्कीम है सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम की हम बात करें तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम को 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। अब इसके उद्देश्य की हम बात करें, इसका उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सुरक्षा के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाई गई। असंगठित क्षेत्र मतलब जो लोग जिनके पास रोजाना काम करते हैं, ठीक है ना, जिनके पास कोई रेगुलर जॉब नहीं होती रेगुलर बेसिस पर, तो असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाई गई। पांचवी हम बात करें स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स। एडोलसेंट गर्ल्स मतलब जो किशोरावस्था की गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, उन लोगों के लिए यह योजना 1 अप्रैल 2011 को लाई गई। कब लाई गई? 1 अप्रैल 2011 को। तो किशोरावस्था की जो लड़कियों के लिए यह योजना है मुख्य रूप से 11 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए। इसके तहत क्या क्या चीज़ें जो है इस योजना के तहत है, तो इसके तहत जो किशोरावस्था की लड़कियां हैं उनके पोषण का ध्यान रखा जाएगा, साथ ही साथ उनकी जीवन कौशल की जो शिक्षा है उसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा, साथ साथ स्वास्थ्य शिक्षा, सामाजिक कानूनी मुद्दों के बारे में उनको जागरूक किया जाएगा। तो ये है आपकी स्कीम फॉर एडोलेंस गर्ल्स। अब हम नेक्स्ट स्कीम की बात करें, फेम इंडिया स्कीम। इस फेम इंडिया स्कीम की हम बात करें तो ये 1 अप्रैल 2015 को लॉन्च की गई थी। कब हुई थी लॉन्च? 1 अप्रैल 2015 को। अब इस फेम इंडिया स्कीम के उद्देश्य की हम बात करें तो फेम इंडिया स्कीम है जो, इसका उद्देश्य क्या है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए फेम इंडिया स्कीम लॉन्च की गई, ठीक है। नेक्स्ट जो स्कीम है हमारी मार्केट एश्योरेंस स्कीम। मार्केट एश्योरेंस स्कीम को बाज़ार गारंटी स्कीम भी बोलते हैं। इस मार्केट एश्योरेंस स्कीम की हम बात करें तो इसका पर्पज़ क्या है, तो किसानों की सहायता के लिए ये स्कीम बनाई गई। मतलब इस योजना के तहत मान लो अगर फसल का दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम है तो समर्थन मूल्य और फसल के दाम का जो अंतर है उसका भुगतान सरकार करेगी। तो ये मार्केट एश्योरेंस स्कीम थी। अब हम बात करते हैं अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 को लॉन्च की गई। इसके तहत कुछ राज्य से मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों में ये मुख्य रूप से अटल भूजल योजना लॉन्च की गई है। साथ साथ और भी अन्य राज्य वहाँ भी इस योजना को लागू किया गया है। नेक्स्ट जो योजना है हमारी वो है कंटोनेशन ऑफ डिले स्कीम। कंटोनेशन ऑफ डिले स्कीम 2018 में आई। इस स्कीम या इस योजना को हम देखें तो यह योजना मुख्य रूप से डिफ़ॉल्ट कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, निदेशक हैं, उनको अंतिम अवसर दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि उन्होंने वित्तीय विवरण और वार्षिक रिटर्न जो है उसको फिल नहीं किया था, उसको नहीं भरा था, ठीक है ना। तो इसके तहत उनको अंतिम अवसर दिया गया है किस योजना के तहत, कंटोनेशन ऑफ डिले स्कीम के तहत, ठीक है। नेक्स्ट स्कीम इसकी हम चर्चा करेंगे वो है सृष्टि स्कीम। सृष्टि स्कीम की हम बात करें तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सृष्टि स्कीम लाई गई और
इसके तहत उन लोगों को वित्तीय सहायता दी जाएगी जो सोलर रूफ टॉप पावर प्लांट स्थापित कर रहे हैं, ठीक है ना। सोलर रूफ टॉप पावर प्लांट जो लोग स्थापित कर रहे हैं उन लोगों को इस सृष्टि स्कीम के तहत सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है सिटी लिवेबिलिटी इंडेक्स प्रोग्राम। सिटी लिवेबिलिटी इंडेक्स प्रोग्राम किन लोगों के लिए है? ये शहर के लोगों के जीवन को सुधारने के लिए सिटी लिवेबिलिटी इंडेक्स प्रोग्राम लाया गया, ठीक है ना। और ये किसके द्वारा लाया गया? तो ये लाया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसे शुरू किया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया काफ़ी फेमस स्कीम है। यह स्कीम 25 सितंबर 2014 को लाई गई थी और इसके तहत देसी और विदेशी कंपनियों को भारत में ही वस्तुओं के निर्माण के लिए बल दिया जा रहा है। मतलब विदेशी कंपनियां हैं वो भी भारत में निर्माण करें और विदेशी कंपनियां हैं वो भी अपनी वस्तुओं का निर्माण भारत में करें। इससे क्या होगा? इससे भारत सरकार की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है स्वच्छ भारत अभियान। यह अभियान या ये योजना भी क्या है काफ़ी फेमस रही। 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। इसके तहत इसका उद्देश्य क्या है? गलियों को, सड़कों को, है ना, अधोसंरचनाओं को साफ सुथरा रखना, साथ साथ कूड़ा जो है उसको भी सही जगह पहुंचाना, कहीं भी गंदगी नहीं करना। तो यह स्वच्छ भारत अभियान के तहत इस योजना को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है आपका किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र की बात करें तो ये 1988 में लॉन्च हुई थी। कब हुई थी? 1988 में। ये भारत सरकार की वन टाइम स्कीम है। वन टाइम स्कीम मतलब जहाँ तय समय में क्या होगा, पैसा दुगना होगा, ठीक है। इसमें न्यूनतम राशि 1000 रुपये है, ना। तो ये भारत सरकार की योजना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट योजना की हम बात करें, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। सॉइल हेल्थ कार्ड मतलब ये संबंधित है भूमि से, मतलब किसानों की भूमि से संबंधित है। इसे 2015 में भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो सॉइल हेल्थ कार्ड जो स्कीम है इसमें क्या हुआ, सरकार किसानों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड या सॉइल कार्ड जनरेट करेगी और किसानों की मिट्टी की गुणवत्ता का अध्ययन करेगी, ठीक है ना। और इससे क्या होगा, किसानों की एक बार में मिट्टी का टेस्ट होगा तो क्या होगा, अच्छी फसल प्राप्त होगी उनको, है ना। मिट्टी की क्वालिटी के अकॉर्डिंग वो उसकी फसल पैदा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है वो 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया। इसकी डेट क्या है? 1 जुलाई 2015। अब इस योजना की हम बात करें तो भारत सरकार का इनिशिएटिव है या भारत सरकार की पहल है, ठीक है ना। इसके तहत सरकारी विभागों जितने भी डिपार्टमेंट हैं या विभाग हैं उनको देश की जनता से जोड़ा जाएगा। मतलब डायरेक्टली लोग डिजिटली इन विभागों से कनेक्ट हो पाएंगे डिजिटल इंडिया के तहत। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट जो स्कीम है वो है स्किल इंडिया। स्किल इंडिया जो है 15 जुलाई 2015 को लॉन्च की गई। कब की गई? 15 जुलाई 2015 को। यदि हम इस स्किल इंडिया योजना की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भारतीय युवाओं को उद्योग संबंधित कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना। यदि वो इस उद्योग संबंधित कौशल को ले लेंगे तो क्या होगा, उनको रोजगार या जीवन यापन करने में सहायता मिलेगी। इसमें मुख्य रूप से 10वीं 12वीं के ऐसे स्टूडेंट्स जो स्कूल छोड़ चुके हैं उन लोगों को मुख्य रूप से इस उद्योग और संबंधित कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो अपना आसानी से जीवन यापन कर सकें। तो आज के इस वीडियो में हमने कौन कौन सी योजनाएं देखी? हमने देखी नेशनल हेल्थ स्कीम, उजाला स्कीम, खेलो इंडिया स्कीम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, स्कीम फॉर एडोलेंस गर्ल्स, फेम इंडिया स्कीम, मार्केट एश्योरेंस स्कीम, अटल भूजल योजना, कंडोनेशन ऑफ डिले स्कीम, सृष्टि स्कीम, लिवेबिलिटी इंडेक्स प्रोग्राम, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, किसान विकास पत्र, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, डिजिटल इंडिया और हमने देखा स्किल इंडिया। तो हमने आज इन सारी योजनाओं को डिटेल में समझा। आई होप आप लोगों को इस वीडियो की सारी सोशल सेक्टर की स्कीम्स की जो योजनाएं हैं वो समझ में आई होंगी। यदि आप किसी पॉइंट में कोई दिक्कत है तो सिंपली आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। या आपको ऐसा लगता है कोई अन्य टॉपिक पर भी वीडियो बनना चाहिए तो उस टॉपिक को भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, है ना, जो कि UPSC से रिलेटेड है या किसी भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है। उस वीडियो के बारे में बताएं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि इस टॉपिक पर वीडियो बनना चाहिए तो उस टॉपिक पर भी क्या होगा, वीडियो बनाया जाएगा। साथ ही साथ आपको इस चैनल पर सारे UPSC के वीडियोस मिल जाएंगे, है ना, क्योंकि प्रीलिम्स से रिलेटेड हैं, है ना, चाहे हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, है ना, चाहे वो आपका पॉलिटी हो, चाहे हिंदी हो, हिंदी ग्रामर हो, सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।